स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सावल क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स। अभी तक जैसा कि आपको पता है, सीटेट के 10 पेपर हो चुके हैं और हम लोग सीटेट 2018 से पहले सारे ही पेपर जो हैं अपने इस ग्रुप के अंदर, इस चैनल के अंदर सॉल्व कर लेंगे। ठीक राजे, तो आज शुरू करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट पेपर के साथ, जो कि है सीटेट सितंबर 2016 का। तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं, ईवीएस का पेपर सॉल्व करेंगे आज। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसमें 6 उपविषयों को चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषयों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से एक कारण को छोड़कर सभी शेष कारण हो सकते हैं, वह एक कौन सा कारण है। ठीक, तो इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या किया कि ईवीएस का सिलेबस जो है उसको बेसिकली 6 थीम्स के ऊपर स्ट्रक्चर किया गया है, जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स को इन्होंने जो है जानबूझकर फैमिली, परिवार और मित्र इस थीम के अंदर रखा है। इसका मेन कारण क्या हो सकता है किसी एक को छोड़कर? पहला, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू लोकेट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल, ये हमारा पर्पस है, जिससे स्टूडेंट्स को पता चले कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक जो है क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर लाए करते हैं, उनकी क्या महत्वता है। ये हमारा बेसिक पर्पस है, जिसकी वजह से हमने उनको ऐड किया है परिवार और मित्र के अंदर। दूसरा, परिवार को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। टू हाईलाइट हाउ ह्यूमन शेयर अ क्लोज रिलेशनशिप विद ईच अदर, कि हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो पौधों के ऊपर और जानवरों के ऊपर किस तरह से डिपेंड करते हैं, हमारी ह्यूमन बीइंग्स की और एनिमल्स या फिर प्लांट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी कैसे रहती है। जैसे कि इंसानों को और जानवरों को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और पौधों को ग्रो करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो जब हम लोग एक दूसरे के परस्पर में रहते हैं, पास में रहते हैं, तब ये चीज़ें जो हैं पॉसिबल हो पाती है। हम लोगों को ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए अनाज चाहिए, पेड़ पौधों को ग्रो करने के लिए रूढ़ी खाद या फिर अलग अलग तरह की जो है खनिज पदार्थों की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, जो कि इंसानों के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह से हम इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से पूरी तरह से रिलेटेड रहते हैं। ठीक, थर्ड इज इस बात को भारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीवनों, विशेष पशुओं और पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। टू हाईलाइट हाउ द लाइव्स एंड लाइवहुड्स इन सम कम्युनिटीज आर क्लोजली कनेक्टेड विद द स्पेसिफिक एनिमल्स और प्लांट्स, के ये बताना कि कुछ कम्युनिटीज खास तौर पर किस तरह से जानवर या पौधों के ऊपर डिपेंड करती हैं या फिर उनका उनकी जीविका जो है इनके साथ कैसे चलती है। एंड द फोर्थ वन इज विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं के बारे में समझने में सक्षम बनाना। To enable the students to understand how the plants and animals form a scientific perspective. परंतु ये हमारा basic purpose नहीं है, हमारी हम लोग ये नहीं चाहते, हम लोग यहाँ पर पौधे या plants के बारे में deep study नहीं करते, परंतु उनका close relation, एक दूसरे के ऊपर dependency और उनसे हमारी जरूरतें या हम लोगों से उनकी जरूरतें कैसे पूरी होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में विचार विमर्श करते हैं। तो right answer will be डी, के इस यहाँ पर हम लोगों का कौन सा एक कारण नहीं हो सकता चैप्टर को ऐड करने का। फोर्थ डी, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझाना और सक्षम बनाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगमन में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? द पर्पज ऑफ सर्वे इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस। सर्वे, सबसे पहले सर्वे क्या होता है? सर्वे इज सर्वे क्या होता है डाटा कलेक्शन
डाटा को कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना और फाइनल रिजल्ट्स को शो करना। तो सर्वे क्या होता है, किसी कम्युनिटी के अंदर या किसी एरिया के अंदर अलग अलग विचारों के ऊपर या अलग अलग फैक्ट्स के ऊपर डाटा को कलेक्ट करना, उनको प्रोसेस करना, पुराने फैक्ट्स के साथ उनका मिलान करना, आंकलन करना और फाइनल रिजल्ट्स जो है प्रोवाइड करना, दैट इज द सर्वे। तो कहते हैं टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस का मेन जो है सर्वेक्षण का पर्पस क्या रहता है, उद्देश्य क्या रहता है। पहला, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द कम्युनिटी। विद्यार्थियों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि वो किसी कम्युनिटी के साथ प्रॉपरली इंटरेक्ट कर पाएं, ये बिल्कुल सही है। जब हम लोग मार्केट में या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में जांच पड़ताल करते हैं, सर्वे करते हैं, तो हमें उस कम्युनिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने के बारे में मिलती हैं। सेकेंड, टू मेक द चिल्ड्रन सेंसिटिव टू द डिफरेंट पीपल्स। बच्चों को अलग अलग कम्युनिटीज़ के बारे में या अलग अलग लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, बिल्कुल सही है। जब लोग बच्चे अलग अलग जो है कम्युनिटीज़ के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में उनको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, जिसके प्रति वो अपने वातावरण और उन लोगों के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हो पाते हैं। थर्ड, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करना, टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड। बिल्कुल सही, हम लोगों को फर्स्ट हैंड मीन्स कि डायरेक्टली हम लोग पर्सन से इंटरेक्ट करके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, ये मौका भी उनको अच्छे तरीके से मिल जाता है। एंड द फोर्थ वन इज आंकलन के लिए एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना, टू यूज़ इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर असेसमेंट। बच्चे को इसका आंकलन करने में, इसके फाइनल रिजल्ट निकालने में और पुराने फैक्ट्स के साथ कंपेयर करने का एक अच्छा मौका मिलता है। तो इसमें सबसे सही क्या होगा, तो ये चारों ही सही है, तो आर राइट आंसर विल बी, राइट आंसर विल बी वन, ए बी सी एन डी। तो राइट आंसर विल बी वन, ए बी सी एन डी। ठीक डियर, नेक्स्ट नेक्स्ट इज 63 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन है, दिए गए निर्देशों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी को उबालने और इसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। पहला, पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी को सोख लिया, आग ने पानी को पी लिया, भगवान ने पानी को पी लिया। ठीक, और इसके बारे में फर्स्ट क्वेश्चन है, ये उत्तर बच्चे और उनके विचारों में क्या बताते हैं। व्हाट डज दिस रिस्पॉन्सेस टेल अस अबाउट द चिल्ड्रन एंड देयर थिंकिंग। कि बच्चे इन आंसर्स को बच्चे क्या सोचते हैं वाष्पीकरण के बारे में और उनके कैसे से रिस्पॉन्स रहेंगे। पहला, बच्चों का उत्तर तर्कसंगत नहीं है, जो चिल्ड्रंस का रिस्पॉन्स है वो इलॉजिकल है, नहीं। सेकंड, बच्चों की सोच गलत है, नो, बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाए, गुड ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाए। एंड द फोर्थ वन इज वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं, बच्चों के विकल्पी विचार हैं, चिल्ड्रंस हैव ऑल्टरनेट आइडियाज अबाउट द एवोपरेशन। यस, दैट इज़ ट्रू, कि बच्चों ने जैसा ऑब्जर्व किया उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने हाइपोथेटिकल, अपने जो है सोच के अकॉर्डिंगली हमें आंसर्स किए कि पानी कहाँ चला गया है, या तो वो गुम हो गया है, या फिर कटोरे ने पानी को सोख लिया है, या आग ने पानी को पी लिया है, या फिर भगवान ने उसको कहीं पर लुप्त किया है। क्योंकि हम लोग बेसिकली बच्चों को भगवान के साथ जोड़कर बहुत सारी चीज़ें जो है समझाते हैं, तो मे बी ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। सो द राइट आंसर इज डी, चिल्ड्रंस हैव द ऑल्टरनेट आइडियाज अबाउट द ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, शिक्षक ने इन उत्तरों का सामना शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। सबसे पहला, जल चक्कर का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, शो द स्टैंडर्ड वाटर साइकिल चार्ट,
सेकंड, वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें कि आप उनको वाष्पीकरण समझाएं क्या होता है, उसके बाद बच्चों को बोलें कि इसको याद रखो। थर्ड, उनके विचारों तक पूर्ण पहुंचने के लिए एक चर्चा आरंभ करें, बच्चों को बता दें कि वे गलत है। तो राइट आंसर रहेगा थर्ड, राइट आंसर विल बी थ्री, उनके विचारों तक पहुंचने के लिए फिर से उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया जाए और उनको बताया जाए कि कटोरे के अंदर जब पानी को गर्म किया गया तो वो कैसे वाष्पीकृत होकर वायुमंडल के अंदर चला जाता है। सो आंसर इज थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों के विविध सोच का आंकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। निम्नलिखित में से विषयों वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विशेष सोच का आंकलन करने के लिए कौन सा एक प्रश्न एक नमूना हो सकता है। पहला, क्या होता यदि जल चक्र होता ही ना, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो वाटर साइकिल। सेकंड, जल चक्र के क्रमों के सोपानों की सूची बनाएं, मेक द लिस्ट इन द सीक्वेंसेस ऑफ वाटर साइकिल, कि जल चक्र कैसे चलता है। सबसे पहले वाष्पीकृत होता है, फिर उसके बाद उसका संघनन होता है, फिर वर्षा होती है, फिर पानी कलेक्ट करता है, इन सब चीजों की एक लिस्ट बनाना। थर्ड, जल चक्र का आरेख बनाएं और उसे नामित करें, ड्रॉ करें और उसको लेबल करें जल चक्र को। चौथा, जल चक्र के 5 लाभ लिखें। तो इसमें बेस्ट का क्या होगा, जहाँ पर बच्चे जो है उसके बारे में असेसमेंट करेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग लेंगे, दैट इज ए। क्या होता अगर जल चक्र होता ही ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। सबसे पहले विविध सोच या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है कि जब आप विविध सोच या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है जब आप एक सब्जेक्ट का रिलेशन या एक सब्जेक्ट को समझाने के लिए किसी और सब्जेक्ट के अंदर शिफ्ट होते हो। डाइवर्जेंट थिंकिंग इज जब आप एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक को समझाने के लिए किसी सेकंड सब्जेक्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाते हो, ठीक जी, उसे हम लोग बोलते हैं डाइवर्ज थिंकिंग। या फिर किसी एक टॉपिक को समझाने के लिए दूसरे टॉपिक के ऊपर शिफ्ट होते हो, उसे हम लोग बोलते हैं डाइवर्ज थिंकिंग। तो अगर आप बच्चों को ये समझाना चाहते हो कि वाष्पीकरण क्या होता है, तो उसका एक जो है थिंकिंग का सबसे अच्छा मेथड क्या होगा कि आप बच्चों को पूछो कि क्या होगा अगर जल चक्र होता ही ना, तो धरती के ऊपर पानी की पूर्ति कैसे होगी, या फिर कौन से और ढंग होंगे जिससे धरती के ऊपर पानी जो है लगातार इसी तरह से ही हमें प्राप्त होता रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जम्मू कश्मीर हमारे देश का ऐसा राज्य है जो अपनी सीमा को 3 देशों के साथ शेयर करता है। हमारे देश के अंदर 3 राज्य हैं जो अपनी जो है बॉर्डर को 3 देशों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर अपना बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान, चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक, और सिक्किम अपना बॉर्डर शेयर करता है भूटान के साथ, नेपाल एंड चाइना, और वेस्ट बंगाल अपना बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश भूटान एंड नेपाल, तो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू एंड कश्मीर के पड़ोसी राज्य है, कि जम्मू एंड कश्मीर के साथ कौन कौन से राज्य अपना बॉर्डर जो है शेयर कर रहे हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर के साथ शेयर अपना बॉर्डर शेयर करने वाले राज्य हैं
हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के साउथ में पड़ते हैं। सो राइट आंसर विल बी ए वन। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक स्थान के नाम पर नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों का सही विवरण का मिलान कीजिए। हमारे पास स्थान दिए गए हैं मनाली, राजस्थान, असम और लद्दाख। पहली ऑप्शन है बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। सेकंड, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू वाली छतों वाले घर। थर्ड, हाउस बोट। फोर्थ, मिट्टी के घर जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों से बनी हुई होती हैं। फिफ्थ, पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें जो है लकड़ी की बनी हुई होती हैं। ठीक डियर, तो हमारे पास चार स्थानों के बारे में बताया गया है जिनके रिगार्डिंग हमें पांच ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले है मनाली। राजस्थान। राजस्थान के अंदर मिलने वाले जो घर होते हैं वो बेसिकली मिट्टी के घर होते हैं जिनकी छतें जो है कंटीली झाड़ियों में छाई हुई होती हैं। और असम में जो घर मिलते हैं वो बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। और लद्दाख, पत्थर के बने हुए घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी हुई होती हैं। मनाली में पत्थर या लकड़ी से बने हुए ढालू वाली छतों वाले घर। सो द राइट आंसर विल बी फाइव। इसका राइट आंसर है टू। राइट आंसर इज टू। ठीक, पहला ऑप्शन है, अगेन एक बार रिपीट कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी है ऑलरेडी। फर्स्ट ऑप्शन इज मनाली, पत्थर या लकड़ी से बने घर ढालू वाली छतों पर जो ट्रायंगुलर शेप की छतें होती है ताकि बर्फ उनके ऊपर खड़ी ना रहे, जमे ना, जैसे बर्फ पड़े साथ साथ वो छतों से फिसल कर नीचे की ओर लगातार ही गिरती रहे। सेकंड, राजस्थान, मिट्टी के घर जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों से छाई हुई होती हैं क्योंकि राजस्थान जो है मारुस्थली इलाका है तो वहां पर ऑलरेडी गर्मी बहुत होती है तो लोगों के घर जो है वो बेसिकली मिट्टी के बने होते हैं जो कि ठंडे रहते हैं। थर्ड इज असम, बांस या खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। लद्दाख, पत्थर से बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी हुई होती हैं क्योंकि लकड़ी जो है उनको गर्मी सर्दी से बचाव देती है। ठीक, सो राइट आंसर इज बी टू। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न, द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द स्किन ऑफ एनिमल आर। पहला, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, इंडिकेशन ऑफ देयर फिजिकल स्ट्रेंथ, प्रावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। थर्ड, उनकी त्वचा पर बाल होने के कारण होते हैं। और चौथा, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वो रहते हैं। सो द राइट आंसर इज फोर, जिस जलवायु में रहते हैं उसकी वजह से उनके शरीर के ऊपर अलग अलग तरह के पैटर्न्स जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है उसकी जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है, यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है। वो व्यक्ति जो कम से कम 25 सालों से जंगलों में रह रहे हैं उनका जंगली जमीन पर और उसमें पैदा होने वाली हर वस्तु के ऊपर अधिकार है, यह जो है अधिकार जनादेश जारी किया गया था जंगल अधिनियम 2007 के अंदर, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अंदर। सो द राइट आंसर इज टू, द राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन 70th, निम्नलिखित में से मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ डिजीजेस स्प्रेड बाय द मॉस्किटोस। पहली ऑप्शन, मलेरिया, HIV, एड्स एंड डेंगू। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि HIV जो है वायरस की वजह से होने वाला रोग है तो ये मच्छर की वजह से होने वाला रोग नहीं है।
तो ये जो है राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड एचआईवी हैजा, हैजा जो है दूषित पानी की वजह से होने वाला रोग है। थर्ड डेंगू मलेरिया एंड चिकनगुनिया, सो द राइट आंसर इज थ्री, डेंगू मलेरिया एंड चिकनगुनिया जो कि मच्छरों की वजह से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, घटपर्णी पौधा निपेंथिस, इसके बारे में फैक्ट्स। पहला, भारत में नहीं पाया जाता, मेंढक और कीड़े मकौड़ों को और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तीसरा, कीड़े मकौड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारव की ध्वनियां निकालता है। इसका मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका रहता है। घटपर्णी पौधा जो है एक मांसाहारी पौधा है, कार्निवोरियस पौधा है, जो कि दूसरे कीड़े मकौड़ों को खाकर अपनी ग्रोथ को सक्षम करता है। ये अलग अलग कीड़े मकौड़ों को पकड़कर उनके बॉडी के जो नाइट्रोजन के अंश होते हैं उनको सोखते हैं और अपनी ग्रोथ को करने में सक्षम रहते हैं। सो द राइट आंसर इज टू, यह पौधा मेंढक कीड़े मकौड़ों या चूहों को फंसाकर खा जाता है और अपने शरीर के विकास के लिए विकास में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुदाय में से लोह तत्व की प्रचुर मात्रा में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ द ईटेबल्स इज रिच इन आयरन। पहला, आंवला पालक और आलू। सेकंड, आंवला आलू और टमाटर, बंद गोभी भिंडी और गुड़, आंवला पालक और गुड़। सबसे पहले लोहा, लोहे की हमारे शरीर को क्या रिक्वायरमेंट रहती है। लोहा हमारे शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है, लाल रक्ताणु। लोहा हमारे शरीर के अंदर लाल रक्ताणुओं का निर्माण करता है और लाल रक्ताणु हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए बेसिकली जरूरी होते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक ट्रांसफर करने के लिए और फूड के जो डाइजेस्टिव पार्ट्स होते हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट्स उनको पूरी बॉडी तक पहुँचाने में मदद करते हैं। और लोहे की सबसे ज़्यादा मात्रा मिलती है आंवला पालक और गुड़ से। पालक और आंवला जो है लोहे के सबसे अच्छे सोर्स माने जाते हैं। आपने देखा होगा कि पालक का सूप या पालक को अलग अलग ढंगों से हम लोग कंज्यूम करते हैं ताकि हमारी लोहे की जरूरतें आसानी से पूरी हो सके। सो द राइट आंसर इज फोर, आंवला पालक एंड गुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्ची लाने वाले व्यवसाय आए थे, हमारे देश में मिर्ची लाने वाले ट्रेडर्स आए थे दक्षिण अमेरिका से। 16वीं सदी के अंदर जो मिर्ची थी हमारे देश में साउथ पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी, जो कि बेसिकली मैक्सिको के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और उसके बाद ही हमारे देश के अंदर इसकी लगातार ही खेती की जाती है और हम लोग इसको अपने भोजन पकाने के अंदर बेसिकली यूज़ करते हैं। सो द राइट आंसर इज ए, दक्षिण अमेरिका से। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। दैट इज फाख्ता डव, जिसको पंजाबी में बोलते हैं गुग्गी डव। 75 नंबर क्वेश्चन, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और पशु को पहचानिए। यह भालू के जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की छाओं शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की ही पत्तियों को खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जिंदा रहता है। ये जानवर है स्लॉथ। ये एक बहुत ही शांत प्रजाति का एनिमल है जो कि जिस प्लांट के ऊपर आते उसी की पत्तियों को खाता है और लगभग सारा टाइम जो है अपना सोने के सोकर ही गुजारता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से वस्तुओं को देख सकते हैं।
पहला सांप, रेशम कीट और छिपकली, दूसरा चील, गरुड़, गिद्ध, तीसरा मधुमक्खी, मच्छर और तितली, चौथा बाघ, तेंदुआ और सांप। तो राइट आंसर इज बी, चील, गरुड़ और गिद्ध, जिनकी देखने की शक्ति, आईसाइट जो है मनुष्यों के कंपैरेटिवली 4 गुना ज्यादा होती है, 4 गुना अधिक दूरी से वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। नीचे दी गई खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। सबसे पहला, इस फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, इसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो कुछ भी उग जाता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। यह बेसिकली जो जंगलों को साफ करके जमीन खाली की जाती है वहां पर अपनाई जाने वाली टेक्निक है, और इस तरह की खेती को हम लोग बोलते हैं झूम खेती। झूम खेती जो कि जंगलों को काटकर जो है खाली की गई जमीन के ऊपर खेती करने के लिए अपनाई जाने वाली टेक्निक है। और स्टेप सेकंड ऑप्शन है स्टेप फार्मिंग। स्टेप फार्मिंग होती है सीढ़ी नुमा खेती, जो कि बेसिकली पहाड़ी इलाकों के अंदर अपनाई जाती है, जैसे किसान के अंदर चाय की खेती की जाती है। इरीगेशन फार्मिंग, ये बेसिकली टेक्निक जो है मैदानी इलाकों के अंदर अपनाई जाती है, जैसे कि अपने पंजाब के अंदर जो है चावल की खेती की जाती है। कोऑपरेटिव फार्मिंग, जिसमें हम लोग डोमेस्टिक फार्मिंग प्लस कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरह की फार्मिंग करते हैं, कि एक जमीन के टुकड़े के अंदर फार्मर जो है अपनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स मीन्स जो भी उसके पास एनिमल्स वगैरह हैं उनके लिए चारा वगैरह बीज लेता है, और बाकी सारी जमीन में वो फल या फिर सब्जियाँ जो कि उसको कमर्शियल पर्पज से रिक्वायर्ड होती हैं उनकी ग्रोथ करता है, उनको ग्रो करता है। तो इस तरह की हम लोग खेती को बोलते हैं सहकारी खेती, कि उनकी घर की भी जरूरतें पूरी हो जाएं और उसकी इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट्स भी आसानी से पूरी हो जाएं। तो ये जो खेती की जाती है उसका राइट आंसर है ए, झूम खेती, जो कि जंगलों को साफ करके की जाने वाली खेती है। ठीक डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 78। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र वीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है, आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन, उस वाद्य यंत्र को सूंघ कर बाय स्मेलिंग द इंस्ट्रूमेंट। सेकंड, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, उसकी आवाज को सुन के। तीसरा, वाद्य यंत्र की गति को देखकर, उसकी जो वाद्य यंत्र की स्पीड है उसकी मूवमेंट को देखकर। चौथा, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। जैसा कि हम जानते हैं कि सांप के कान नहीं होते तो वो आवाज को सुन नहीं सकता, परंतु वाइब्रेशन जो भी बीन वगैरह यूज की जाती है उसकी वजह से जो भी कंपन होते हैं, वाइब्रेशन होती हैं, उनके प्रति रिस्पॉन्ड करके वो अपने सिर को इधर उधर हिलाता है। सो द राइट आंसर इज 4, कि सांप ना तो उसको स्मेल कर सकते, ना ही सुन सकते, ना ही उसको देखते, वो सिर्फ उसके द्वारा, बीन के द्वारा प्रोड्यूस होने वाली वाइब्रेशंस के महसूस करने पर ही अपने सिर को इधर उधर हिलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। नंबर क्वेश्चन, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन पहला सही नहीं है क्योंकि परिवार कई तरह के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। सेकंड, सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तीसरा, सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के ही होते हैं। चौथा, सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि परिवार में जरूरी नहीं है कि माता पिता और 2 बच्चे ही हों, परिवार के अंदर, एक संयुक्त परिवार के अंदर दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे या फिर ताया ताई भी
होते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए, सही नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज भी हो सकती हैं और जो है ये संयुक्त परिवार भी हो सकते हैं। तो परिवार को केवल एक ही प्रकार से कभी भी वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। द गैस्ट्रिक जूसेस, अमाशय रस होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, ये किस नेचर के होते हैं? पहला न्यूट्रल उदासीन, दूसरा अम्लीय तेजाबी, तीसरा खारे शीर और चौथा एम्फोटिक। तो राइट आंसर इज बी, एसिडिक नेचर के, जो कि भोजन को बचाने में हमारी मदद करते हैं। प्लस जो एसिड्स हमारी बॉडी पेट के अंदर पैदा होते हैं वो हमारी बॉडी सॉरी पेट को बैक्टीरियल जो हानिकारक बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी मारने में मदद करते हैं और हमारे पेट को साफ करने में मदद करते हैं। तो पेट में पैदा होने वाले गैस्ट्रिक जूसेस का जो बेसिक नेचर होता है दैट इज एसिडिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों और पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे कि नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया, ए, दवाइयों के गुणों वाली पत्तियां और दवाइयों के गुणों से रहित पत्तियां, और बी ऑप्शन है, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत माना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम और आंकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? पहला, बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में लेके आ सकते हैं जिनकी सराहना होनी चाहिए। दूसरा, अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत सारे तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, वर्गीकरण का काम बहुत ही विशिष्ट और स्तरीकृत होता है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। चौथा, यह क्रियाकल्प पत्तियों को सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित था, यहाँ जिसका विभिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। सो द राइट आंसर इज बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में लेके आ जाते हैं जिनकी सराहना होनी चाहिए। नहीं, अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण से बहुत सारे तरीकों को उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, वर्गीकरण का काम बहुत ही विशिष्ट और स्तरीकृत होता है तथा इसका सही उत्तर होता है। आंसर इज सी, सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखोगे? पहला, बच्चों की रुचियों का ध्यान दोगे। दूसरा, लड़के लड़कियों के समान रूप में रुचिकर लगे। तीसरा, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। चौथा, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो आपका क्वेश्चन था, कहते हैं इन्वायरमेंट की एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी को डिजाइन करते हुए आप कौन कौन सी बातों का ध्यान रखोगे? सबसे पहला, ऐसा एक्टिविटीज बच्चों को प्रोवाइड करें जिसमें बच्चों की रुचि हो, क्योंकि अगर बच्चों की रुचि होगी तो वो उस एक्टिविटी को बहुत अच्छे ढंग से और बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये पहला पॉइंट हमारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा, इट अपील्स इक्वली टू बॉयज एंड गर्ल्स,
हमें लड़के और लड़कियों दोनों के लिए एक समान रूप में रुचिकर होना चाहिए। इसमें जेंडर के बेसिस पर किसी भी तरह की क्लासिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो जो टॉपिक आपने दिया वो सिर्फ लड़कियों के लिए बेनिफिशियल हो, लड़कों के लिए यूजलेस हो जाए, या फिर ऐसा टॉपिक हो जो सिर्फ लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, लड़कियों के लिए यूजफुल ना रहे। तो लड़के और लड़की क्लास दोनों के माध्यम को ही ध्यान में रखते हुए आपको टॉपिक को चूज करना होगा। तीसरा, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, ये हमारा मेन मोटिव नहीं रहता। चौथा, इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों से भी बच्चों को जो है रुचिकर लगे। सो राइट आंसर इज ए बी एंड डी, सी इसमें सही कारण नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकल्पों के संगलन शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर, वह कथन कौन सा है? पहला, बच्चे दूसरे बच्चों की बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। कहते बच्चे दूसरे बच्चों के साथ डिस्कस करने पर और उनसे बातें करने पर चीजें ज्यादा अच्छे ढंग से सीख लेते हैं। दूसरा, समूह क्रियाकल्पों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शन कर सकते हैं। तीसरा, प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी सक्षमता से अधिक ज्ञान निर्माण करने में सहायता मिल सकती है। और चौथा, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। बच्चे जो है कोऑपरेशन करना और उनको कोलैबोरेट करना आसानी से सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या किया गया है कि बच्चे जो हैं ग्रुप एक्टिविटीज़ के द्वारा जब वो कलेक्टिवली उनके अंदर एंगेज होते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं एक को छोड़कर सीख लेते हैं। पहला, एक दूसरे से विचार विमर्श करने पर और डिस्कस करने पर वो चीज़ों को अच्छे से सीखते हैं। ये बिल्कुल सही है, जब हम लोग बातों को डिस्कस करते हैं, उनके बारे में विचार विमर्श करते हैं तो सभी अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं जिससे हमारी नॉलेज बढ़ती है। दूसरा, सामूहिक क्रियाकलापों की वजह से अच्छे अंक प्राप्त करने में जो है मदद मिलती है। बिल्कुल सही, जब हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पता चलते हैं जिनकी हमें पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, या फिर और भी बहुत सारे तरह के फैक्ट्स हमारे आगे आते हैं जिससे हमें अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। चौथा, बच्चों को सहयोग करने की आदत पड़ती है। बच्चे जो है ग्रुप के अंदर काम करने की क्वालिटी या स्किल्स भी उनके अंदर ग्रो होते हैं। परंतु तीसरा पॉइंट बिल्कुल गलत रहेगा कि अडल्ट्स के माध्यम से वो अपनी क्षमता से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है। सो राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आंकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? Which of the following tool will be appropriate for assessing the social personal qualities of the children engaged in learning EVS through the group work? सबसे पहला, पेपर पेंसिल टेस्ट, नहीं। लिखने से बच्चों की जो सोशल और पर्सनल स्किल्स हैं उनके बारे में हम लोग जो है कोई भी आंकलन नहीं कर सकते। सेकंड, ओरल क्वेश्चंस, बिल्कुल उनके द्वारा कैसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, वो किस तरह से किसी विषय के ऊपर सोच विचार करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें उनके क्वेश्चंस के द्वारा और उनके आंसर्स के द्वारा पता चलती है। सेकंड, निर्धारण मापन, रेटिंग स्केल्स, नहीं। और असाइनमेंट्स, बिल्कुल नहीं। सो राइट आंसर इज 2। मौखिक क्वेश्चंस, बच्चे के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस और अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस के द्वारा हमें पता चलता है कि बच्चा किसी भी पर्टिकुलर उसके सोशल पर्सनल क्वालिटीज कितनी ज़्यादा विकसित हो रही हैं। ठीक डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? पहला, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, बिल्कुल गलत, बीज पौधे का ही हिस्सा होते हैं। दूसरा,
गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, ये भी गलत है। गाजर और बंद गोभी डेफिनेटली पौधे होते हैं। घास एक पौधा नहीं है, ये भी कहना बिल्कुल गलत होगा। घास भी एक तरह का पौधा है। और कुछ सब्जियां फल होती हैं, परंतु ये बिल्कुल सही है। अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारी सब्जियां क्या होती हैं, बेसिकली फल ही होती हैं। सो राइट आंसर इज डी 4। जैसे कि कच्चे आम की सब्जी बनाई जाती है, कच्चे केलों की सब्जी बनाई जाती है, बहुत सारी सब्जियां जो है फूल भी होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हर पौधे की जो सब्जियां होते हैं वो डेफिनेटली फल होंगे या सारे फल सब्जियां होंगे। कुछ सब्जियां फल हो सकती हैं, कुछ फल जो है सब्जियां हो सकते हैं। सो राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। कक्षा 4 में की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते। तो टीचर ने अपने विद्यार्थियों को क्या बोला कि आप अपने दादाजी से या बड़ी उम्र के व्यक्तियों से पूछो कि जब वो जवान थे क्या उन्होंने अपने आस पड़ोस में ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते। तो ऊपर पूछे गए प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आंकलन की संभावना नहीं है। कहते इस क्वेश्चन के पूछे जाने के द्वारा बच्चे की किस क्वालिटी का या किस स्किल का जो है आंकलन की संभावना नहीं रहेगी। पहला, प्रश्न पूछना, बिल्कुल ये क्वालिटीज ये स्किल उनके अंदर ग्रो होगा। बच्चे जब अपने पेरेंट्स से जाके पूछेंगे तो बहुत सारे ढंगों से उसको मॉडिफाई कर देते हैं, तो उससे उनकी क्वेश्चन की स्किल जो है इम्प्रूव होती है। दूसरा, एक्सप्रेस करना अभिव्यक्ति, ये स्किल भी उनके अंदर ग्रो करेगा। तीसरा, एक्सपेरिमेंटाइजेशन, यहाँ पर किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट जो है पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं कि आपके टाइम में कैसे जो है प्लांट्स होते जो आजकल नहीं ग्रो करे, या फिर क्या कारण था, वो लुप्त क्यों हो गए, वो कैसे दिखाई देते थे, उनके ऊपर लगने वाले फल और फूल कैसे होते थे, उनका क्या उपयोग था, वो सारी चीजें हमें पता चलेंगी, परंतु कोई भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पर परफॉर्म नहीं हो सकता। चौथा, डिस्कशन, चर्चा, डेफिनेटली चर्चा यहाँ पर रहेगी। तो सबसे बेस्ट पॉइंट जिसके यहाँ पर कौशल का विकास नहीं हो सकता, दैट इज सी प्रयोग। यहाँ पर किसी भी तरह का प्रयोग नहीं हो सकता। तो राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। एक शिक्षक बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तुएं बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। एक टीचर जो है अपने बच्चों को बोलता है कि अपने घरों से जो भी वेस्ट मटेरियल है वहां से कुछ भी यूजफुल बना के लेके आओ। इसका बेसिकली पैडागॉजिकल इंटेंशन क्या रहेगा, क्या नहीं है, सॉरी। पहला, क्लास में बच्चों के श्रेष्ठ बारे व्यक्तियों के विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, नहीं, ये हमारा बेसिक पर्पज नहीं था। दूसरा, बच्चों की सृजनशीलता का विकास करना, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को डेवलप करना कि आप अपने कबाड़ को जुगाड़ में कैसे तब्दील कर सकते हो, ये डेफिनेटली हमारा पर्पस रहेगा। दूसरा, बच्चों को रिसाइकल, पुनर्चक्रण, पुनर्प्रयोग, रीयूज अते रूपांतरण के बारे में समझाना, और उनको रिड्यूस जो हमारी रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल की पॉलिसी है उसके बारे में समझाना कि हमारे सराउंडिंग के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम लोग दोबारा से कैसे यूज कर सकते हैं या फिर उसको कैसे कम कर सकते हैं, ये हमारा मेन पर्पस रहेगा। चौथा, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, एक इस तरह की एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाना ताकि बाकी बच्चों को भी इंफॉर्मेशन मिल सके कि हम लोग वेस्ट मटेरियल्स के द्वारा कैसे यूजफुल प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर सकते हैं। सो राइट आंसर इज ए। टीचर का ये अभिप्राय कभी भी नहीं रहेगा कि क्लास के अंदर हमें इंटेलिजेंट बच्चों का पता चल सके, ठीक। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, हाउ डिड आई प्लान फॉर दी एक्टिविटी। मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, हाउ वेल डिड आई फॉलो दी प्लान। मेरी शक्तियां क्या थी, मेरी स्ट्रेंथ क्या थी,
मुझे सचमुच कठिन क्या लगा, व्हाट एग्जैक्टली डिड आई फाइंड डिफिकल्ट। तो पहला, ऊपर दिए गए चार प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में से सही क्या होगा? शिक्षक के द्वारा समग्र आंकलन, शिक्षक के द्वारा समेस्टिव असेसमेंट किया गया है, बच्चों का सेल्फ असेसमेंट हुआ है, शिक्षक का सेल्फ असेसमेंट है, बच्चे और शिक्षक दोनों का ही सेल्फ असेसमेंट होता है। येस डियर, द राइट आंसर इज फोर। ये डिपेंड करेगा सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर बच्चा कोई भी एक्टिविटी प्लान कर रहा है तो उसने क्या योजना बनाई थी और उस योजना को कितने अच्छे ढंग से वो फॉलो कर पाया, उसमें उसकी सबसे अच्छी स्ट्रेंथ क्या रही और उसको उस प्रोजेक्ट को बनाने में या उस प्लान को फॉलो करने में क्या क्या मुश्किलें पेश आई। सिमिलरली अगर टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि अगर वो कोई भी टीचर कोई भी चैप्टर पढ़ाने के बारे में सोच रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट या बच्चों को कुछ भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाने के बारे में सोच रहा है, तो उसने क्या क्या प्लानिंग्स की थी, कितना वो फॉलो कर पाया, उसमें उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स रही और उसको प्लान को इम्प्लीमेंट करने में उसको बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उनकी सेल्फ असेसमेंट का सही ढंग से पता लग सकेगा। सो राइट आंसर इज फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, ईवीएस की टेक्स्ट बुक के अंदर जो लैंग्वेज यूज की जानी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? पहली, टेक्निकल और औपचारिक होनी चाहिए, फॉर्मल और टेक्निकल होनी चाहिए। दूसरा, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, बिल्कुल बच्चे की जो एवरीडे लैंग्वेज है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। तीसरा, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। चौथा, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, उसको फॉर्मल कर देना चाहिए और डेफिनेशंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए नहीं, क्योंकि पर्यावरण, हमने बच्चों को अपने पर्यावरण की सांभ संभाल, उसका संरक्षण और उसकी हमारे लिए महत्वता, ये चीज़ें समझानी होती हैं। तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है कि बच्चे को ऐसी लैंग्वेज के अंदर इन्वायरमेंट साइंस टीच किया जाए जो कि उनके लिए यूज़र फ्रेंडली रहे, जिस भाषा को वो ज़्यादा अच्छे से समझ सके, ताकि वो उनको अपने आस पड़ोस की पेड़ पौधों की, जानवरों की महत्वता, उनके बचाव, उनके संरक्षण की अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो राइट आंसर इज टू। बच्चों के दिन प्रतिदिन में यूज़ की जाने वाली भाषा से संबंधित भाषा के अंदर ही बुक, टेक्स्ट बुक्स जो है वो तैयार होनी जानी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 90। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? कोई भी टीचर स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर एक जो है एक्टिविटी शीट देता है अबाउट द डिफरेंट एनिमल्स और उनको बोलता है कि आप उन जानवरों के अंदर रंग भरो जो हमारे सराउंडिंग के अंदर नहीं रहते। इसका मेन पर्पज क्या था? पहला, क्रिएटिविटी, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी का विकास करना। दूसरा, ऑब्जर्वेशन का विकास करना। तीसरा, क्लासिफिकेशन स्किल्स को ग्रो करना। चौथा, उनकी डाटा संग्रह, डाटा कलेक्शन की क्वालिटी को विकसित करना। तो बिल्कुल, जब वो रंग भरेंगे अलग अलग तरह के रंगों से, उनको जो है ओरिजिनल जो है क्वालिटी देने की कोशिश करेंगे, तो उनकी क्रिएटिविटी स्किल्स जो डेफिनेटली ग्रो करेंगे। ऑब्जर्वेशन, उससे वो ध्यान देंगे कि उनके पड़ोस में, आस पड़ोस में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, कौन से पालतू हैं या फिर कौन से जंगली हैं, कौन से टेम्ड हैं, उनको अलग अलग तरह से क्लासिफाई करने में उनको मदद मिलेगी। सो राइट आंसर इज, जो इस एक्टिविटी से जुड़ा हुआ बिल्कुल सही पॉइंट है, दैट इज ए, बी एंड सी। राइट आंसर इज टू, बी, ए बी एंड सी। डी हमारा मेन पर्पज नहीं हो सकता, यहाँ पर किसी भी तरह की डाटा कलेक्शन नहीं होगी, परंतु ऑब्जर्वेशन और क्लासिफिकेशन स्किल्स के ऊपर मेनली ध्यान दिया जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस। तो कल हम लोग नेक्स्ट जो है इसका पेपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, मिशन पीएस टेट 2018 में तुहाडा स्वागत है जी। मैं अनमोल सर साइकोलॉजी के फिफ्थ लैक्चर में तुहाडा स्वागत करदा। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपां साइकोलॉजी के चार लैक्चर पहला तो ही लगा चुके हैं,
जिंदे च आपां जो काफ़ी सारा जो पॉइंट्स आपां मेनली मेनली डिस्कस कर चुके हैं जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट है पी एस टैट के मामले च भी ते सी टैट लई आपां दोनों ही लई जो है टॉपिक्स जो मेन मेन है डिस्कस कर चुके हैं। तो जो आपां लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया सी इंटैलीजेंस के रिगार्डिंग इंटैलीजेंस के बारे आपां काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया सी। नैक्सट जो अज आपां उसे नूं ही कंटिन्यू करांगे जिथों आपां पिछली बार छड्डिया सी आपां जो थ्योरीज कीतियां सी उस तों आपां नैक्सट अज स्टार्ट करदे हां जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, तां एक बार आपां थोड़ा जिहा पिछे दा थोड़ा रिपीट कर लैंदे एक बार। जो आपां सब तो पहला आपां जीन पियाजे थ्योरी करी सी, उस तों बाद जो है आपां वाइगोस्की की थ्योरी करी सी, नैक्सट आपां कोलबर्ग की थ्योरी करी सी। ऐसे तरह जो है अपने जो तीन थ्योरीज आपां ये दो लैक्चर्स विच कवर करियां सी। नैक्सट जो आपां लैक्चर लगाया सी वो लर्निंग दे रिगार्डिंग सी, लर्निंग दी भी आपां थ्योरीज काफ़ी कवर